सबसे पहले हम समझेंगे बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। देखिए, दिस इज अ प्योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स और ईएमएफ सोर्स। इट्स ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम कहते हैं किसी भी समय पर सर्किट में करंट आई होएगा एंड दिस ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट would be equal to E naught by R sine omega t or current is equal to I naught sine omega t. EMF hai E naught sine omega t, so current hai I naught sine. हम कहते हैं विथ प्योर रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में यदि प्योर रेजिस्टेंस होता है तो ईएमएफ में और करंट में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। वी यूज टू से देयर इज नो फेज डिफरेंस between current and EMF in the circuit. हम graphically यदि देखें time के साथ EMF यदि इस तरह से vary कर रहा, तो टाइम के साथ दिस इज अ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ देन वेरिएशन ऑफ करंट मे बी प्लॉटेड इन दिस मैनर। यहां टाइम लाइन बना देता हूं तो किसे में करंट का वेरिएशन इस तरह से प्लॉट करा जा सकेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट इन द सर्किट। जब ईएमएफ मैक्सिमम है तब करंट भी हमें मैक्सिमम दिख रहा है। हाँ, उसकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर जाएगी। और जब ईएमएफ नेगेटिव साइड में मैक्सिमम तो करंट नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, जब ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो। करंट और ईएमएफ सर्किट के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से वेरी करेंगे, उनमें किसी तरह का कोई फेज नहीं होएगा। पीक करंट इन द सर्किट इज ई नॉट बाय आर। सर्किट में जो पीक करंट होएगा वह E naught by R, this is
पी करंट इन द सर्किट अप। हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इधर इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। हम इस चैप्टर में एसी सर्किट के एनालिसिस के लिए हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम द एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स बिकम्स वेरी इजी। कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट का एनालिसिस बड़ी आसानी से हम फेजर डायग्राम के द्वारा कर पाते हैं। अब इन फेजर डायग्राम में हम ईएमएफ और करंट को एक वेक्टर, एक एरो के रूप में देखेंगे, एक एरो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। At t is equal to 0, हम दो इंस्टेंट पर फेजर डायग्राम बना के दिखा रहे हैं और इधर एट एनी टाइम t हम ईएमएफ का फेजर दिखाते हैं। फेजर डायग्राम बनाते समय एरो हम बनाएंगे, एरो के द्वारा हम ईएमएफ को दिखाएंगे और एरो की लेंथ E नॉट के प्रोपोर्शनल होगी जीरो टाइम पर ईएमएफ। यह E नॉट इज द लेंथ ऑफ एरो और किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम EMF phasor is drawn like this. हम कहते हैं टाइम टी पर EMF phasor ओमेगा टी से रोटेट कर गया। In order to understand the instantaneous EMF, since EMF is given by sine function, तो हम इस एरो का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखेंगे, that would give us instantaneous EMF. जीरो टाइम पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जीरो है, इस टाइम पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा। अब इसी के साथ अब हम करंट का फेजर बनाते हैं। पहली बार में सारी बात समझने की कोशिश मत करो, पहली बार में तो इसको लिख लो। हम कम से कम क्लास में 10-12 बार फेजर डायग्राम बनाएंगे, चौथी पांचवी छठी बार में अपने आप समझ जाने लगेगा कि क्या बनाया जा रहा। अब हम करंट को भी फेजर डायग्राम से डिनोट करते हैं। करंट के लिए भी हम एक वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर की लेंथ आई नॉट के प्रोपोर्शनल होगी और करंट और ईएमएफ सेम फेज में है तो इधर करंट के लिए जीरो टाइम पर दिस एरो डिनोट करंट आई नॉट और टी टाइम पर भी करंट ईएमएफ के साथ फेज में है, this arrow denotes the phasor diagram of current. EMF का phasor और current का phasor zero time पर भी और किसी भी समय पर दोनों overlap कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है current and EMF are always in same phase. इसका मतलब है current I and EMF E always in same phase. दोनों में किसी तरह का कोई phase difference नहीं होता है। This is phasor diagram for the circuit and this is the ग्राफ
graphical picture how EMF is varying with time and current is varying with time. And these are the equations written for the behavior of pure resistance